इज द कंडीशन ऑफ दिस पैनल. बहुत ज़्यादा ये वाटर मार्क्स है इसके ऊपर, तो डिफरेंस अच्छे से आपको दिखेगा. ये बिफोर की वीडियो है और ये जब ख़त्म हो जाएगी तो एंड में बिफोर आफ्टर में मैं डाल दूँगा. अब एक बार स्टैंड पे लगा लेते हैं फ़ोन को. सो दिस इज़ द पॉलिश विच आई एम गोइंग टू यूज़ टूडे इन दिस वीडियो. ऑटो सोल की पॉलिश है, ये मेटल पॉलिश है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ आज. एंड आई गॉट दिस फ्रॉम अमेज़ॉन से ख़रीदी थी मैंने. सॉरी दो बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कहते हैं इंग्लिश में बनाओ, कुछ कहते हैं हिंदी में बनाओ, तो इस वजह से थोड़ी हाँ. तो बस यू हैव टू यूज़ योर फिंगर्स टू अप्लाई दिस ऑन द इंजन केस. इस पर अप्लाई करने के लिए फिंगर ही यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. मैंने उधर यूज़ उस साइड वाले पार्ट में यूज़ करी थी, अच्छा रिजल्ट है. इस वजह से यहाँ पे भी वैसे ही स्प्रेड कर रहा हूँ, इवनली स्प्रेड होता है, फ़ायदा ही रहता है. और साथ साथ मैं वीडियो के बीच में मतलब बताता रहूँगा कि कैसे आप अपने क्रोम पार्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं जिससे आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े बार बार. दिस इज़ मोर ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट दो चीज़ें हैं, या तो आप टाइम बचा सकते हो या पैसा, चूज़ आपको करना है. क्योंकि अगर ये मैं अभी 3M या वहाँ पे करवा था, मैंने जैसे पहली बार करवाया था इसका 1000 किलोमीटर के बाद दिया, वो 4000 किलोमीटर पे करवाया था मैंने एक बार, विच कॉस्टेड मी अराउंड 1500 रुपीज़. काम नो डाउट बहुत अच्छा था, मुझे सच कोई उससे कंप्लेन नहीं है. 1500 से भी ज़्यादा लगे थे मेरे हिसाब से, पर हाँ 3M है तो भाई लगेगी कॉस्ट. ये ऐसे इवनली हाथ से ही स्प्रेड होगा. ये कपड़े से मैंने ट्राई करके देख लिया, इतनी जल्दी होता नहीं है, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. तो ये जितना ब्लैक होता जाएगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन और ये जो मेटल पार्ट से ये रिमूव कर रहा है. ऐसे धीरे धीरे रब करते रहो सर्कुलर मोशन में. थोड़ा सा हल्का सा इस वाले में बस एक मेरे को कॉन लगा कि भाई क्लाउडीनेस टाइप कभी कभार आ जाती है जो कि रब करने से ही जाएगी, पर यह है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा रब करना पड़ता है. पर ठीक है, रेदर देन स्पेंडिंग इतना अच्छा खासा अमाउंट, अगर थोड़े मेहनत करके अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो वो कर लो. एज आई हैव शोन अर्लियर, इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी पार्ट में थे वाटर मार्क्स. तो दिस इज गोइंग टू बी अ टॉप जॉब फॉर मी, पर ठीक है. दो तीन बार करना पड़ सकता है अगर पार्ट में ज़्यादा ये हो रखा है तो, अगर मतलब ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रखा है तो. रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव टू बी ऑनेस्ट. दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम डूइंग दिस. डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ऑक्सीडाइज हो रखा है वो पार्ट, यू हैव टू अप्लाई लेयर्स ऑफ पॉलिश एंड रब इट नाइसली इन सर्कुलर मोशन. सी एज यू कैन क्लियरली सी दिस साइड ऑफ द दिस पैनल इज अ लॉट मोर क्लियरर, एंड दिस इज द मेजर, यू नो आई होप यू कैन सी, दिस इज द मेजर पोर्शन विच आई हैव टू रब ट्वाइस और थ्राइस टू गेट इट ऑल क्लीनड अप. सो लेट मी जस्ट डू इट. I'm so
जी, तो मैं साथ साथ ये बता रहा था कि भाई ऑक्सीडेशन से कैसे बचा सकते हो आप अपने पेंट को, मतलब ये क्रोम पार्ट्स को कैसे बचा सकते हो आप इजीली। हाँ, तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए 2-3 टिप्स हैं। देखो, कभी रेनी सीजन में राइड करते हो या कुछ ऐसा सीन है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते अपन, ठीक है। उसमें तो अपन को वही है, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी पड़ेगी। एंड ट्राई कीजिए कि भाई जल्दी से जल्दी इसको आप ड्राई कर पाओ। जैसे आप घर पहुँचो, घर पहुँचते एक बार कपड़ा लगा दो, तो उससे क्या जितने बाकी गीले पार्ट्स हैं उससे ऑक्सीडेशन नहीं होगी इंजन केसिंग पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बाकी किसी भी पार्ट में होती है बाकी किसी पार्ट क्रोम पार्ट में होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो जो पार्ट्स हीटअप होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है, वहाँ पे आपको ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मेंटेन रखना है तो, और ये फालतू की इतनी डबल मेहनत नहीं करनी है तो। दूसरी चीज़, जब भी आप वॉश करो बाइक घर पे या बाहर करवाओ, तो टेम्परेचर गिरने दो बाइक का एक बार, मतलब थोड़ा नॉर्मल होने दो, उसके बाद ही वॉश करवाओ। क्योंकि अपन तो वॉश करवाने के चक्कर में जाते हैं, पर उससे क्या ऑक्सीडेशन हो जाती है। अगर एकदम हीट हुई हुई बाइक को अपन एकदम से पानी डाल दोगे तो उसमें वापस सेम यही वाटर मार्क्स और ये सब आ जाएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन से ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब आप हटाओगे, आप कपड़ा भी मारने जाओगे उससे पहले पहले ये आ जाएंगे, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मेन तो अगर आपको ये क्रोम पार्ट्स मेंटेन रखने हैं तो, क्योंकि यही शाइन है रेट्रो बाइक में, यही जो है यही मतलब पसंद आती है सबको, जो जितनी इसकी शाइन होती है। यहाँ पे थोड़े से रह रहे हैं बस, ये लाइन तो चली गई। सच में अच्छी लगी मेरे को ये क्रीम, मतलब पॉलिश अच्छी है सही में, इट एक्चुअली वर्क्स। बस ये थोड़ा अगर स्पंज होता मेरे पास तो मेरा काम और इजी हो जाता, तो स्पंज यूज़ कर सकते हो आप। अब आपको फालतू में बस ये फ़ायदा रहता है, फालतू में आपको पे नहीं करना पड़ेगा इस इतने इसी चीज़ के लिए, बार बार कहीं बाहर करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारी कॉस्ट ऐड होती जाती है मेंटेनेंस में। एंड कुछ कुछ मैंने सुना है कि अप्लाइंग नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, यू कैन सेव इट फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मैंने ट्राई नहीं किया आज तक, तो उस पर मेरे को आइडिया नहीं है, पर मेरे को बता देना अगर किसी ने ट्राई किया है तो। बुलेट ओनर्स, रॉयल एनफील्ड ओनर्स, बहुत जनों ने करा होगा ट्राई, मैंने तो बस एक वीडियो में सुना था कि ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब उससे ये होता है कि ऑक्सीडाइज होता नहीं, क्योंकि एक लेयर ऑयल की होती है उसके ऊपर, पर मेरे को लगा कि भाई अगर ऑयल की एक लेयर रह गई हल्की सी, वो भी तो हीट होने पे मतलब इवोपरेट होगी और स्मेल भी आएगी उसमें तो अजीब सी। बाकी देख लेना, किसी ने ट्राई किया तो बता देना। ये देखो शाइन कितना डिफरेंस आ रहा है भाई साहब, उस साइड वाला जो पार्ट है उसमें तो बहुत मेहनत लगी है। वो मैं पहले चेक कर रहा था कि भाई ये क्रीम काम कर भी रही है कि नहीं DIY बनाने से पहले, इस वजह से इसको भी कर देते हैं फटाफट। ये जो आपको ऊपर पार्ट दिख रहा है इस पे भी आप कर सकते हो, जो मैं करूँगा इसको भी थोड़ा, ये स्टेनलेस स्टील है तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको एक बार ये वाला पार्ट करने के बाद। ये देखो ये डिफरेंस आ जाता है, इसको मैंने पहले भी एक बार कर रखा था जब मैंने ये
मंगवाई थी मैंने, तो अब मेरे को बहुत ही हल्का सा हाथ मारने की ज़रूरत पड़ी है, उससे ज़्यादा कुछ मेहनत लगी नहीं इस वाले पार्ट में। ये फ़ायदा तो है, एक लेयर आ जाती है पॉलिश की, फिर उसके बाद रस्टिंग कम ही होती है। एग्जॉस्ट पे भी कर सकते हो आप, पूरी बाइक पे जहाँ जहाँ ऐसा पार्ट है मेटल का उन पे आप लगा सकते हो, ब्रास का पार्ट हुआ उस पे भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जिस पे आप यूज़ कर सकते हो ये क्रीम। अब मैं आपको एक वॉक अराउंड टाइप दे देता हूँ, कितना शाइनी लग रहा है डिफरेंस अब अपने आप देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है इसके अंदर। ये देखो ये वाला पार्ट भी विदाउट अ डाउट फार मोर बेटर, और थोड़ा और आप कर सकते हो इसको, मतलब और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो, वही बात है जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा शाइन करेगा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये जो जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ कर रहे हैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, जिससे यू कैन ईजिली फाइंड इट ऑन अमेज़ॉन। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, टेक केयर, टाटा बाय बाय। Touch the ground.